तुम्हारा संकल्प था प्रवास का, किंतु मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया तो तुम आए। क्यों? क्योंकि आप पीड़ा में थे। केवल इतना ही कारण नहीं था कि तुम मेरे पास आए, वत्स। विचार करना इस बात पर। जाओ अब पुत्र, यशस्वी भव। सिपाहियों, ज्ञात रहे, इन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं है। मुझे मेरे आर्य से मिलने दीजिए, मिलने दीजिए मुझे मेरे आर्य से। क्या करना है मेरे आर्य के साथ? मुझे मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। जिस प्रकार तुम्हारे पुत्र ने मेरा हृदय जलाया है, उसी प्रकार ये नमक तुम्हारे घावों को जलाएगा। तुम्हारा पुत्र गया है महामुनि को लाने। महामुनि को हस्तिनापुर ले आकर वो तुम्हारी मुक्ति मांगने की इच्छा रखता है। मूर्ख है वो। महाराज तुम्हें मुक्त करे, उससे पूर्व ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसका शिरच्छेद क्यों नहीं कर देते महोदय? नहीं कर सकते। परंपरा है कि शिरच्छेद प्रातःकाल ही हो सकता है, और फिर इसकी पीड़ा देख के मुझे आनंद मिल रहा है। इसका त्याग कर शीघ्र मृत्यु देने का क्या प्रयोजन? मार खाते खाते ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। प्रातःकाल की प्रतीक्षा मत करना मदनजय, अन्यथा तुम्हारी मनोकामना पूर्ण नहीं हो पाएगी। मेरा पुत्र अवश्य सफल होकर आएगा, और विश्व की कोई भी माया या शक्ति उसका मार्ग नहीं रोक सकती। यदि तुम्हें जीवन नहीं मिला तो
तो मेरे जीवन का भी कोई अर्थ नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। तुम्हारे पिता हमारा त्याग करें, उससे पूर्व हमें संसार का त्याग कर देंगे। चलो पुत्र, माता गंगा सभी पापों को पावन कर देती है। महामुनि व्यास, आपको हस्तिनापुर पहुंचाए बगैर मैं मृत्यु को निकट भी नहीं आने दूंगा। मेरा संकल्प है महामुनि, मैं आपको महारानी गांधारी तक पहुंचा कर ही रहूंगा। बल से किसी के संकल्प को किस प्रकार विचलित करोगे? वर्तमान तुम्हारा संकल्प था प्रवास का, किंतु मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया तो तुम आए क्यों? मेरे संकल्प को आपकी याचना ने तोड़ा। सब माया है, मेरा कवच प्रकट नहीं हुआ, अर्थात सब माया है। महामुनि का संकल्प है कि वो अपनी तपस्या को भंग नहीं करेंगे। उनका संकल्प केवल मेरे समर्पण से टूटेगा, मेरी याचना से टूटेगा।
प्रकाशितम्। अद्भुत पुत्र, अपने एकांत की सुरक्षा हेतु हमने इतनी यंत्रणाएं बनाई थी, किंतु उन सब को पार करके केवल तुम ही पहुंचे हो हमारे पास। क्योंकि मुझे मेरे पिता को न्याय दिलाना है। न्याय के लिए एक बालक को संघर्ष करना पड़े, ये तो उस राज्य की दुर्दशा का आरंभ है। चलो। परंतु पुत्र, क्या सूर्योदय से पूर्व महारानी गांधारी तक तुम मुझे पहुंचा पाओगे? ये मेरे जीवन का अंतिम प्रवास है, मुझे अकेले ही तय करने दो। महाराज, महारानी गांधारी गंगा नदी में समाधि लेने जा रही हैं। उचित ही है, जिसका जीवन व्यर्थ हो उसे मृत्यु को आलिंगन देना ही उचित है। धृतराष्ट्र, शिव के वरदान को उसके दुर्भाग्य ने विफल कर दिया, एक पुत्र तक ना दे पाई मुझे। मूर्ख मत बनो, बंजर भूमि भी पूजनीय होती है। निसंतान स्त्री का स्तर सारे संसार में उच्च ही होता है, उसकी मृत्यु की कामना करना दुर्भाग्य को निमंत्रण है। तुम्हारी मृत्यु का समय निकट आ रहा है अधिरथ।
पुत्रगण, रथ माता गंगा की ओर ले चलो। ईश्वर पर इतना भी विश्वास नहीं? शीघ्र ही तुम्हारे पुत्र को भी तुम्हारे पास नरक में भेज दूंगा अधिराज। महामुनि व्यास को लेकर कर्ण आ गया है महोदय। मेरे पुत्र ने मेरी रक्षा कर ली मदंजय। मैंने कहा था ना, अब अपनी रक्षा की चिंता करो। राधा, तुम्हारा पुत्र दिव्य है। पुत्र कर, तुम वास्तव में दिव्य हो। अपनी माता पर आज तुमने उपकार कर दिया। नहीं माता, तुम ही तो कहती हो ना कि माता पे उपकार और संतान का धिक्कार संभव नहीं। तुम से भाग के आए थे। हाँ, आप तो भाग भी नहीं पाए, आप तो बंद गए थे महामुनि की माया में। यथार्थ यथार्थ कह रहे हो बालक। असफल हो गया मैं। मेरी सफलता मैं आपको दे देता हूँ। मुझे सफलता का कोई मुंह नहीं, मुझे तो केवल मेरे पिताश्री की रक्षा करनी है। तो
तुम्हारी सफलता, अर्थात तुम महामुनि को ले आए। हाँ, वहां बैठे हैं महाराज और महारानी के साथ। बालक, तुम वास्तव में अद्भुत हो बालक, अद्भुत अद्भुत। किंतु मेरे पिताश्री का क्या होगा? सैनिकों, इस बालक के पिताश्री को राजसभा में ले आओ। बालक, महामुनि व्यास को यहां लाने का पुरस्कार अवश्य मिलेगा तुम्हें। अद्भुत अद्भुत